हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेशन देखने आने वाला, तो इंग्लिश के लिए मैं आपसे बात करूँ कि इंग्लिश आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे फिर किसी भी चीज की एग्जाम की तैयारी करो, जिस किसी में भी एग्जाम आती हो उसके लिए आपके लिए ये क्लास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और सीधी सी बात है, जो आज से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करो तो इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत सारी ऐसी कोचिंगों का आपने पढ़ा होगा या कहीं पर इंस्टीट्यूट का आपने पढ़ा होगा या बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर एग्जाम में हम जब इंग्लिश देते हैं या पेपर इंग्लिश में आता है या इंग्लिश ग्रामर के हम जब भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बच्चों के रॉन्ग हो जाते हैं या इतने सारे रूल होते हैं क्या जिस किसी को, तो बहुत सारों के मुंह से मैंने सुना है कि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती है या सर के ऊपर से जाते हैं उनके। तो इंग्लिश समझने के लिए सीधी सी बात है, आज से आपको भी इंग्लिश समझने के लिए सीधी सी बात आपको सबसे ज्यादा करना होगी प्रैक्टिस, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। और सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ कि यहाँ पर मैं केवल काम की चीज पढ़ाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इंग्लिश जिन जिन एग्जामों में आने वाली है उन एग्जामों की मैं बात करूँ और उन सबके लिए ये सेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इंग्लिश की बात करूँ, मैं MPSI की बात करूँ या मैं FCAT की बात करूँ या CDS की बात करूँ या XY ग्रुप की बात करूँ, एयरफोर्स XY ग्रुप की, या फिर नेवी SSR की बात करूँ, एनडीए की बात करूँ, ये ऐसी एग्जाम है जिनमें हर 6 मंथ में एग्जाम होती है और बच्चों को सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने की सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं स्टूडेंट वो यही बोलते हैं कि सर इंग्लिश नहीं मिल पाती, इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हो गई, इंग्लिश में 1 नंबर से रहेगा या 2 नंबर से रहेगा। तो इंग्लिश की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ती है, इसलिए मैं इसीलिए आपके लिए सेशन आज लेके आया हूँ यहाँ पर, जो कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे इस चैनल पे आया हुआ। तो इसीलिए क्या है कि YouTube का आने का सबसे अच्छा मकसद मेरा यही है कि आप कहीं से परेशान नहीं हो, अपने घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात ये आती है, मैं आगे बात करता हूँ जैसे कि और किस एग्जाम में बात करते हैं, SSC ऑल SSC की मैं बात करूँ, वो MTS हो, CHSL हो, CGL हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, स्टेनोग्राफर के बाद SSC GD हो। मैं बैंकिंग की बात करूँ, बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी के लिए देखो आपको मैं सीधी सी बात बता दूँ कि बैंकिंग की तैयारी के लिए आप लोगों को बेसिक बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश अगर आपको अच्छी करनी है। और उसके बाद मैं कोस्ट गार्ड की बात करूँ, GD और DB दोनों की, कोस्ट गार्ड GD जनरल ड्यूटी या DB की बात करो, डोमेस्टिक ब्रांच की बात करो, कोस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे ज्यादा आर्मी क्लर्क वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट, और डिफेंस के लिए जिन जिन एग्जामों में इंग्लिश आती है उन सबके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पर जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। सीधी सी बात है, वो जिन किसी भी चीज की आपके नीड हो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब क्वेश्चन आता है आपके मन में कि यहाँ पर मैं पढ़ा तो दूंगा तो आप पढ़ेंगे क्या, बुक कौन सी लाएं क्या लाएं, तो आपको बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं सारा कंटेंट इसी चैनल पे दूंगा। और इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम के लिंक दूंगा जो कि मेरा ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम पे, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, जिस भी जो टॉपिक मैंने आज यहाँ पर पढ़ाया उन सब चीजों का आपको नोट्स वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, तो आप रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।